नमस्ते सभी को। काफ़ी अरसे से जो मेरी इच्छा थी मेरे गुरुजी के आश्रम आने की, वो इतने अरसे बाद पूरी हो चुकी है। मैं मार्च के स्टार्टिंग में अपने गुरुजी के आश्रम पहुंचा, और आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ। तो ये मैं उत्तराखंड में मेरे गुरुजी नीम करोली बाबा महाराज जी के आश्रम में हूँ। तो ये आसपास के जो होम स्टेज थे उसकी वीडियो है, और यहाँ पे मैं ठहरा था जो कि निर्मल होम स्टे है। ये जो पहली मंजिल है वही मेरा रूम था, और रूम के बाहर से होम स्टे ऐसा दिखता है। ये सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि मैं पहली मंजिल पे था इसलिए ये सीढ़ियाँ हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था मेरा एक दिन का स्टे, क्योंकि मैं दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन से गया था, क्योंकि दिल्ली से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है काठगोदाम जाना। कैची धाम से सबसे पास में जो रेलवे स्टेशन है वो काठगोदाम है, और लगभग आपके 5.5 घंटे लगते हैं काठगोदाम पहुंचने तक दिल्ली से, और काठगोदाम से कैची धाम तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है। तो ये देखिए, ये है पूरा होम स्टे का बाहर का इलाका। साथ ही साथ यहाँ पे छोटे छोटे हट्स भी बनाए हैं, नीचे भी रूम्स हैं और छोटे छोटे हट्स भी हैं, ये भी रूम्स हैं। ये देखिए, पहाड़ों के बीच है ये होम स्टे। अगर आपको यहाँ स्टे करना है तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही इस होम स्टे का नंबर है, आप वीडियो को पॉज करिए और आपको नंबर मिल जाएगा। मेरी तरह अगर आप भी महाराज जी में विश्वास रखते हैं और महाराज जी के ऊर्जा को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर यहाँ आइए और यहाँ पे रुकिए। ये होम स्टे जो है 100 मीटर की दूरी पर है आश्रम से। आपको मेरे ख्याल से 40 सेकेंड्स लगेंगे खाली आश्रम पहुँचने में। मेरे ख्याल से मैंने 6-7 बार दर्शन किए थे, क्योंकि मैं काफ़ी पास में ही रुका था आश्रम के। ये देखिए, पूरा बाहर का व्यू है, और ये है मेरे गुरुजी का आश्रम जो काफ़ी सालों से मैं विज़िट करना चाहता था, और इस बार वो मेरा जो सपना था पूरा हो गया। ये देखिए, पास के कुछ और होम स्टेज के पिक्चर मैंने लिए हैं। अगर आपको यहाँ पे रुकना है तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं, इसीलिए मैंने पिक्चर्स नंबर्स के साथ ले लिए हैं। एक बात ध्यान रहे कि आप इनकी बुकिंग पहले करवाइए, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे आप अगर आप जाएंगे तो बुकिंग नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, इसीलिए मैंने पिक्चर्स डाल दी है। और अगर आप अपना विजिट प्लान कर रहे हो तो आप जा सकते हो। बहुत अच्छे होम स्टे हैं, और मेरा तो बहुत अच्छा टाइम बीता, और मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि बाबा जी मुझे फिर से जल्दी बुलाएं, क्योंकि कैसे कहूँ मैं, बाबा जी की जो मिरेकल्स हैं वो ऐसे इजीली बयान नहीं कर सकते। बाबा जी ने ही इतने टाइम तक संभाला है और आगे भी वही संभालेंगे। इसलिए अगर आप प्लान करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, या मेरी तरह सोलो जाना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ बाबा जी से मिलने, तो आप सोलो भी जा सकते हो। हाँ, तो मैं जहाँ पे ठहरा था उसका किराया था 1500 रुपये एक रात का, और यूजुअली यही रेट मेरे ख्याल से यहाँ पे हर होम स्टे का है, और इसीलिए मैंने बाकी होम स्टेज के भी पिक्चर्स डाल दिए हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वहाँ ठहर सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि आश्रम के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था इसलिए मैंने बाहर से वीडियो बनाई। देखिए, हमारे बाबा जी की जो छवि है मूर्ति रूप में, वो साक्षात ऐसा लगता है कि बाबा जी ही बैठे हुए हैं।
बस मैं चाहता हूँ महाराज जी मुझे जल्द से जल्द फिर बुलाएं। होप आप सबको अच्छा लगा हो और जल्दी जाइए।